व्हाट्सअप गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप की फोटो को कुछ स्टेप में एडिट करना बताने वाला हूँ केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। गाइस ये 4 स्टेप का फोटो एडिटिंग होने वाला है, तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा वो भी इस टाइप की फोटो एडिटिंग लाइटरूम ऐप में कर लेगा और आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला है। तो 110% आप इस टाइप की फोटो एडिटिंग कर लेंगे वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी ओरिजिनल फोटो को गैलरी से लेना होगा और लेने के बाद शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूं, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूं। सो गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस टाइप के इंटरफेस आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल फोटोज के आइकन पे आप क्लिक करके अपनी फोटो को यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आप ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा और स्क्रॉल कर लेने के बाद आपको इसकी लाइट के आइकन पे क्लिक करना होगा और लाइट के आइकन पे क्लिक कर लेने के बाद इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू आपको ऐसे इंक्रीज करके से 41% कर लेना होगा। देन दोस्तों आपको ऐसे पूरा नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद एक ब्लैक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो ब्लैक्स की वैल्यू को हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -43% कर लेंगे और इसकी हाईलाइट की वैल्यू हम लोग थोड़ा सा ऐसे कम करके ना -26 कर लेंगे। और यही छोटी सी सेटिंग यहाँ पे करना था हम लोग को, हम लोगों ने कर लिया। तो गाइस हम लोग का पहला स्टेप यहीं पर ही कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड स्टेप में इसकी कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन सी टोन को क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस कलर्स के आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स को यूज करना होगा। तो यहाँ पे आप अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप इस टाइप की फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना होगा आपको गाइस, ना सिंपल से ना इसकी टिंट की जो वैल्यू है ना इसको हम लोग -10 कर लेंगे और इसकी टेम्प की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके यहाँ से 28% कर लेंगे। देन दोस्तों इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करके इसे भी हम लोग 28% कर लेंगे। देन दोस्तों ये सेटिंग आप लोगों को कर लेने के बाद आपको ऊपर साइड में कोने में मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा और मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट ही रहेगा, तो इसकी सैचुरेशन को हम लोग इंक्रीज करके यहाँ से प्लस साइड में 21% कर लेंगे। देन दोस्तों आप लोगों को इसके बाद क्या करना होगा, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना होगा और करने के बाद इसकी सैचुरेशन को हम लोग ऐसे डिक्रीज करके ना यहाँ से -44% कर देंगे और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके 10% कर लेंगे। देन दोस्तों ये सेटिंग कर लेने के बाद आपको इसके बाद येलो कलर को सिलेक्ट करना होगा और इसकी ह्यू को पूरा डिक्रीज करके हम लोग -100 कर देंगे। और यहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे अगर वीडियो को कहीं पर भी स्किप किए तो आप इस टाइप की फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कलर का खेल होता है गाइज इसमें। तो इसके बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, इसकी सैचुरेशन को हम लोग ऐसे कम करके ना यहाँ से -52% कर देंगे। देन दोस्तों उसके बाद आपको ग्रीन कलर को लेना होगा और इसकी सैचुरेशन को हम लोग -100 कर देंगे, ह्यू को भी -100 कर देंगे। देन दोस्तों इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी हम लोग डिक्रीज करके -35% कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको एक्वा ब्लू कलर को लेना होगा और इसकी भी सैचुरेशन को डिक्रीज करके -100 कर देंगे और ह्यू को भी डिक्रीज करके -100 कर देंगे। देन दोस्तों आप लोगों को इसके बाद ब्लू कलर को लेना होगा और ब्लू कलर के भी सैचुरेशन को हम लोग -100 कर देंगे और ह्यू को भी -100 कर देंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग आप लोगों को कर लेने के बाद ऊपर साइड में डन के आइकन पे क्लिक कर देना होगा और डन के आइकन पे क्लिक करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। अभी तो गाइज हम लोग का इतना काम तो हो चुका है, लेकिन गाइज आगे मैं आपको जो टिप्स बताने वाला हूँ जिससे पूरी फोटो में आप जान डाल सकते हैं, यानी करके कलर को डाल सकते हैं। तो कलर को डालने के लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा ना, मिक्स टूल के बगल में एक ग्रेडिंग का आइकन मिलेगा, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। देन दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, शैडो का और मिड टोन का और हाईलाइट का। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, शैडो में आके और अपनी ना फिंगर से ऐसे स्क्रॉल करके ह्यू और सैचुरेशन को आपको ना मैच कराना होगा। तो मैं ऐसे थोड़ा सा ब्लू साइड में लेकर चला आता हूँ और लाने के बाद देख सकते हैं इसकी ह्यू को हम लोग 231% रखे हैं और इसकी सैचुरेशन को मतलब हम लोग 58% रख लिए हैं। तो इसकी सेटिंग को क्या करना होगा ना, इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके यहाँ से ना 86% कर देंगे प्लस साइड में और इसकी बैलेंस की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके ना -50 कर देंगे। देन दोस्तों इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -48% कर देंगे और इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से ना ऊपर साइड में डन के आइकन पे क्लिक कर देना होगा। डन
के आइकन पे क्लिक करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। तो गाइज हम लोग का दो स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, तो तीसरे स्टेप में इफेक्ट के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से इसकी क्लियरिटी की वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करके 16% कर लेंगे, टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके 31% कर लेंगे, डिवाइस की वैल्यू भी इंक्रीज करके यहाँ से 10% कर लेंगे। और ये सारी सेटिंग आप अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी विग्नेट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके यहाँ से -33 कर लेंगे, मिड पॉइंट की वैल्यू भी हम लोग डिक्रीज करके 18% कर लेंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। तो गाइस तीन स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, तो चौथे स्टेप में हम लोग डिटेल्स को ऐड करने वाले हैं। तो उसको डालने के लिए डिटेल्स के आइकन पे आना होगा, और आने के बाद इसकी शार्पनिंग की वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करके 28% कर लेंगे, और इसकी मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 48% कर देंगे। देन दोस्तों इसका नॉइस रिडक्शन की वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करके 11% करेंगे, और नीचे के इसकी कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके इसे 15% कर लेंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफ़ी ओसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस फोटो को सेव करने के लिए आपको शेयर के आइकन पे क्लिक करना होगा, और सिंपल से सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, और आपका ये फोटो ना गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो लीजिए गाइस फोटो भी सेव हो चुका है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।